जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे सभी भाइयों के लिए जिनकी 10th क्लास पास हो गई है। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो SSC MTS की वैकेंसी है, क्या आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी फिजिकली फिट है और आर्मी और ज़्यादातर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों तो आपके लिए कंपलसरी वैकेंसी इसमें क्या है, इसका काम क्या है, पहले आप समझ लीजिए। और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं आप सभी को पता है, जैसे कि आज 5 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसका काम क्या, आप में से कई लोगों को इसकी जॉब प्रोफाइल नहीं पता है, तो इसलिए पहले मैं आपको इसकी जॉब प्रोफाइल बताऊँगा, साथ ही बताऊँगा कि इसकी जो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तैयारी तो आपको 100% करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसमें कुछ खास अलग नहीं है। आप इसके दो पेपर होते हैं दोस्तों, आप में से आधेतर यानी 50% लोगों या 90% 80% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका पेपर मतलब किस लेवल का होता है। वो पहले ही सोच रहे हैं कि SSC की तरफ से आ रही MTS की वैकेंसी शायद हार्ड होगी या मेरे लिए नहीं होगी। दोस्तों इसमें कुछ अलग नहीं है, मतलब बिल्कुल ईजी पैटर्न है। इसमें जो इसका जो सिलेबस है उसमें आप देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 GK के और 25 इंग्लिश के। इंग्लिश के 25 क्वेश्चनों को आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये लोग आप EJRM का जो प्रयोग होता है ये चीज़ें आप आर्टिकल्स, ये चीज़ें आसानी से आप सीख सकते हो। इसमें कोई बड़ा मतलब महाभारत नहीं है। इसका जो पहला पेपर होता है उसमें, इसका जो दूसरा पेपर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, एक पैराग्राफ लिखना रहता है आपको 30 मिनट में, और वो आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में यानी जो 8वीं अनुसूची में जो 8 भाषाएं हैं उनमें से मतलब हिंदी में भी आप वो लिख सकते हो पैराग्राफ। एक ऐसे लिखना रहता है 30 मिनट में, तो वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, उसमें इंग्लिश कोई जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखना है, यानी बहुत ही ईजी पैटर्न है दोस्तों। अब एक चीज़ बात करें कि इसका एग्ज़ाम होगा कब, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एग्ज़ाम होगा 1 जुलाई से शुरू और आपको SSC GD का होगा अगस्त से। तो यानी आपकी तैयारी में और ज़्यादा दम आएगा, आप 1 महीने पहले अगर ये पेपर दोगे तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और ज़्यादा दम लगेगा SSC GD की तैयारी में, और अच्छे से तैयारी होगी आपकी। तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी इसकी करनी चाहिए। इसका जो सेकंड पेपर होगा वो होगा नवंबर में, तो उसके लिए आपको अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको एक इंग्लिश ऐड करनी है, और नॉर्मल आप जैसे हिंदी पढ़ते हो वैसे इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन का 1 घंटा भी इंग्लिश को दोगे तो भी आपका काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और बाकी 3 सब्जेक्ट आप कंटिन्यू SSC GD के लिए या आर्मी के लिए पढ़ते ही हो, 10th क्लास पास किए। इसका जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, जैसे SSC मल्टीटास्किंग, इसके पहले मैं बता दूं, एज 18 से 25 साल और 18 से 27 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC को जितनी छूट मिलती है आपको पता, 3 साल, SC ST को 5 साल जो छूट मिलती है वो मिलती है। एजुकेशन इसकी 10th क्लास पास होनी चाहिए आपकी। जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से होगी दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से इसकी एज काउंट होगी। अब इसमें जो काम होते हैं, मल्टीटास्किंग नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे अलग अलग, मल्टी यानी बहुत सारे काम। तो किस प्रकार के काम होते हैं दोस्तों, इसमें कई प्रकार के काम होते हैं, कम से कम 16-17 प्रकार के काम होते हैं इसमें। जैसे आप इसके काम होते कहाँ, पहले इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और सेंट्रली तौर पर इसकी आपकी ड्यूटीज लगती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि जैसे होम अफेयर्स हो गए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, या जितने भी गवर्नमेंट के जो गृह मंत्रालय है या जितने भी प्रकार के मंत्रालय है, इन सभी में जो ड्यूटी होती है, जो बाबू क्लर्क आप देखे होंगे, तो ये नॉन क्लर्केबल ड्यूटी है, यानी कंप्यूटर पर वेट करने वाली ड्यूटी नहीं है कि पूरे दिन आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो ज़रूर आपको कंप्यूटर का भी काम दिया जाएगा, लेकिन उसमें जैसे फैक्स आती है, मेल आती है, उसको सेंड करना, मेल चेक करना, जैसे अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आप कॉल करते हो, जो कॉल अटेंड करते हैं वो यही बंदे करते हैं जिनका SSC MTS में सिलेक्शन हो रखा है, वही बंदे वो काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यानी एक फाइल को दूसरे बाबू के पास लेके जाना या दूसरे साहब के पास लेना, ऑफिस में जो ऑफिस को बंद करना, खोलना, या अगर किसी को ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग कर सकता है। तो मतलब इस प्रकार के काफ़ी मल्टीपर्पज़ काम होते हैं, जैसे ऑफिस को खोलना और जो गार्ड ड्यूटी होती है उसके बाहर जो ऑफिस में दिन में बैठे रहते हैं आपने देखे होंगे, ये इस प्रकार के नॉर्मल से काम होते हैं, कोई फिजिकली हार्ड काम नहीं होता और एक कोई ग्राउंड फील्ड का काम नहीं होता, एक ही जगह आपको काम करना होता है और वो आपकी काबिलियत पे है कि आप कौन सा काम करते हो, आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो कंप्यूटर बैठा दें, लेकिन हाँ ये क्लर्क वाला जॉब नहीं है। तो 10th क्लास पास की वैकेंसी है और इसमें इतने सारे, आपने कईयों ने सुना होगा कि इसमें मतलब माली का काम भी होता है या चपरासी का काम, तो चपरासी ग्रुप C की वैकेंसी है, चपरासी का काम नहीं होता, चपरासी का काम होता है ग्रुप D में। लेकिन हाँ रूम की साफ़ सफाई हो गई या ऑफिस में जैसे कंप्यूटर का छोटा मोटा साफ सफाई करना, या एक फाइल को दूसरी, जैसे आप तहसील में जाते हो वहाँ पर SDM के पास में जो रहते हैं उनके पास में जो आपकी फाइलें पहुँचाते हैं, आपके साइन कराते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, वो उस प्रकार का काम है और बहुत ही शानदार काम है। कोई काम होता है उसमें कोई मिस्टेक है नहीं और शानदार काम है दोस्तों। इसकी जो सैलरी होती है 1800 ग्रेड पे, यानी आप जैसे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते हैं आपको 25,000 के
समथिंग आप सैलरी मिलती 18,000 इसका मतलब 18 से 20,000 बेसिक सैलरी, उसके अलावा डीएवी एचआर मिलके आपकी 25,000 के समथिंग पहली सैलरी मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप फार्म भरने का नहीं सोचे तो 100% फार्म भर लीजिए। इसका काम मैंने बता दिया, 5 फरवरी से इसके फार्म स्टार्ट हो रहे हैं, 10 मार्च के आसपास तक इसके फार्म चलेंगे, 1 जुलाई से इसके पेपर स्टार्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड, वो पेपर आप अच्छे से दीजिए। और बहुत ही शानदार वैकेंसी, इसके जो एग्जाम सेंटर है वो ऑल इंडिया के, आपको फर्स्ट 3 एग्जाम सेंटर चुनने का मौका दिया जाएगा, तो उन 3 में से आप चुन सकते हो, उन 3 में से आपको एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन सा आप एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हो दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो 101% आप इसका फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। इसका कोई भी मटेरियल आपको चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल, मैंने मेल आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप मेल भी कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो कि सर इसके लिए कौन सी बुक ले, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और बहुत अच्छी अच्छी कौन सी बुक है और कौन से इसके क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड पेपर भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी नीचे दे रहा हूँ मैं, उसमें मैं इसके जो ओल्ड पेपर है वो भी आपको दिला दूंगा, किस प्रकार से इसके पिछले वाले पुराने पेपर आए उनकी पीडीएफ मैं उधर शेयर कर दूंगा दोस्तों। लेकिन आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद।